7, go! हमारा जन्मदिन नहीं बल्कि इस पर अभिनंदन के साथ उनको रेस्पेक्ट के साथ मनाया जाए और उसी दिन से ये शुरू हो जाए। तो प्यारे बच्चों, सबके जीवन में पहला गुरु हमारे पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स की भी कोई गुरु नहीं है, तो उनकी शिक्षा को हम हमारे घर से शुरू होते हैं और उसके बाद दरवाजे बढ़ते हैं तो हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे गुरु हरी पद पद पर तैयार होते हैं और हमारा घर है उनसे जितनी शिक्षा लेनी हो दिया जाए। और शिक्षक लोग का भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, वो देव समान है, कोई भी देव जिसे हम लोग देवता करते हैं। ना तो मेरे पीछे ऐसे आ,
फ्रेंड्स हम फ्रेंड्स से भी सीखते हैं
अपने टीचर्स हो गए, स्कूल के टीचर्स, एवरीवेयर, तो सीखने को हर एक चीज है, हर रोज हम देखते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम कहीं पे भी एवरीडे लाइफ में जो भी चीज़ें हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उसमें हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो चीज़ ग्रैब करें, जो चीज़ ले रहे हैं अपने आसपास इन्वायरमेंट में, जिन चीज़ों के बीच में रह रहे हैं, वहाँ से हम पॉजिटिव चीज़ें गेन करें। निगेटिव चीज़ों को मतलब ध्यान में रखना है, ये नहीं कि नेग्लेक्ट करना है, ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें हार्म भी होता है कभी कभी, और लाइफ को उससे हमें मतलब अवेयर भी रहना निगेटिव चीज़ों को। सो उसके बारे में भी हमें पता रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आदतें हो गई या फिर बहुत सारी चीज़ें थॉट्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कबीर का दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए।